का निधन हो गया है, किस लिए आए, क्यों आए, क्या किए? जी, उनको मिट्टी देने के लिए आए थे और साथ ही शोकाकुल परिवार को ढांढस देने आए थे और बाकायदा मंत्री जी से मिले, उनसे यही संदेश दिया मैंने कि परिवर्तन संसार का नियम है और एक ना एक दिन सबको उसके हवाले अपने आप को करना पड़ता है जिसने हमें दुनिया में भेजा है। तो समय हो चला था, अपने आप को ढांढस दे दीजिए, हौसला रखिए। पर आप पूरे झारखंड के, पूरा झारखंड आपका परिवार है, उस परिवार की उन्नति कैसे हो, उस परिवार के लोग खुशहाल कैसे हो, इस रास्ते को आप तैयार कीजिए। हम भी जान जहां भी रहेंगे वहां से आपके लिए दुआ देने का कार्य करेंगे। जयराम जी, ये बताइए कि आप एक नौजवान लीडर हैं, आज आपको युवा बहुत मान रहा है, आगे की राजनीति और रणनीति क्या है, एमएलए चुनाव में क्या उपस्थिति होगी आपकी, आपकी पार्टी की? देखिए, 24 वर्षों का झारखंड हो चुका है लेकिन आज भी देख सकते हैं हमारे हिस्से की नौकरियों को, चाहे आउटसोर्सिंग की बात कीजिए, टेंडर की बात कीजिए या प्राइवेट सेक्टर्स की बात कीजिए, कहीं भी झारखंड के लोग अगर खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। चाहे वो किसी वर्ग किसी कौम का रहे, अगर झारखंड के लोग अब खोजने जाएंगे तो वो हैदराबाद के टावर लाइन में मिलेंगे, केरल की मच्छी फैक्ट्री में मिलेंगे, सूरत की कपड़ा फैक्ट्री में मिलेंगे, तो कोई सऊदी तो मलेशिया तो ट्यूनेशिया तो दुबई में मिलते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। 40% खनिज देने वाला झारखंड राज्य, 75 से 80 प्रकार के मिनरल्स देने वाला झारखंड राज्य, अकेले 27% कोयला देने वाला झारखंड राज्य, अगर आज इस प्रकार से पलायन और बेरोजगारी की मार झेलेगा तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि राज्य किनके लिए बना था। ये सत्ता में अगर आप आते हैं, उपस्थिति होती है, तो किस तरह झारखंड को आप देखेगा, किस तरह चलाने का प्रयास कीजिएगा? सबसे पहली बात है कि भारत एक विविधताओं का देश है, भारत का संविधान भी साफ साफ कहता है और पहले अक्षर में ही भारत का जो पहला आर्टिकल है उसी में साफ साफ है कि भारत राज्यों का देश होगा, यानी बिना राज्यों के अब इस देश की कल्पना करेंगे तो बेमानी होगी। तो जब भारत राज्यों का देश होगा तो बिहार यदि एक राज्य है, बंगाल यदि राज्य है, गुजरात यदि एक राज्य है, उन राज्यों की यदि अपनी मर्यादा और पहचान और परंपरा है तो झारखंड भी एक राज्य है, उसकी पहचान, परंपरा, उसकी पहचान होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले स्थानीय नीति की बात करेंगे, एक मजबूत स्थानीय नीति बनाएंगे जो राज्यवासियों में एक अंतर लाए कि इस राज्य के मूल निवासी कौन है। देखिए, भारत की आबादी अभी लगभग 1.5 अरब के लमसम है, यानी 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है और झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ के आसपास लगभग। हम साढ़े तीन करोड़ झारखंड के लोग भारतीय हैं लेकिन सारे भारतीय झारखंडी नहीं है, बस इतना सा फंडा को समझना है। सारे भारतीय झारखंडी नहीं है पर सारे झारखंडी भारतीय हैं, तो ठीक उसी प्रकार झारखंडी कौन है, इसकी पहचान। एक स्टूडेंट से राजनीतिक सफर, क्या कष्ट लग रहा है कि कहां तक पहुंचने में दिक्कत है? अभी भी है, कल 3 बोतल पानी चढ़ाने का काम किए, सुबह से सीने में दर्द, वोमिटिंग इत्यादि कई समस्याओं का सामना किए और आज फिर आज तो आराम ही कर रहे थे लेकिन पता चला कि मंत्री जी की माँ का देहांत हुआ है। तो बोला नहीं, चलिए, विचारधाराएं भिन्न हो सकती है, राजनीतिक रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन वहाँ का रास्ता सबका एक है। मान्यता अलग हो सकती है, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई गॉड, कोई प्रकृति, कोई बूढ़ा बाबा, मान्यता अलग हो सकती है लेकिन रास्ता सबका एक है। तो हमने कहा कि ऐसी घड़ी में इंसान को अपनी आपसी विचारधाराओं को भूलकर कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना चाहिए, लोगों के दुख में शरीक होना चाहिए। युवाओं को रोजगार मिले, उनको उनका अधिकार मिले, उसको लेकर आज के युवा को आप क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, उनको तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, आज अगर सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी की है तो राज नेताओं की है, जिनके हाथों में इस राज्य की बागडोर है, जिनके हाथों में इस राज्य की भविष्य का रोडमैप है। तो उनसे अगर आप संतुष्ट नहीं है और आपको लगता है कि वो आपके आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको बदलना चाहिए। युवाओं के हाथों में कमान देनी चाहिए, युवाओं के हाथों में बागडोर देनी चाहिए ताकि इस राज्य को उस राज्य में तब्दील किया जा सके जिस उद्देश्य के साथ हमारे महापुरुषों ने इस राज्य को अलग बनाया था। थैंक यू।